आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। जिस तरह से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बानीहाल के अंदर आज एक मेगा पब्लिक दरबार जो है वो बुलाया जा रहा है, जिसमें जिसकी सरप्राइज जो है यहाँ पर जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू सोशल वेलफेयर शीतल गंगा जी कर रहे हैं, उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर रामबन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन, SDM बानीहाल और बाकी महकमा जात रामबन जिला के सभी छोटे बड़े अफसरान जो है यहाँ पर मौजूद है। जायजा जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये जायजा जो है आप हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ महकमा जात के जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, आम जनता जो है वो यहाँ इस मेगा प्रोग्राम में शामिल है। और कहीं ना कहीं पे ये जो विकसित भारत जो पब्लिक दरबार आज यहाँ पर बुलाया गया है, हेडेड बाय कमिश्नर सेक्रेटरी टू सोशल वेलफेयर शीतल नंदा जी, और इसके साथ में डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक साहब भी यहाँ पे मौजूद है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन, और इसके साथ में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस मेगा दरबार में जिस तरह से हम आपको ये दिखा रहे हैं, और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ इसमें मौजूद है। और कहीं ना कहीं पे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्तलिफ महकमा जात ने जो काम किया है उसको लेकर यहाँ पर जो इलाके के जो सरपंच है वो इलाके में कितने काम हुए हैं, खासकर जो रूरल डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, उस सेक्टर को लेकर जो लोगों को फायदा हुआ है, तो कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। जो सरकारी स्कीम होती है खारपुरा उसमें हाईलाइट किया जाता है, 3 करोड़ 10 लाख खर्च करने के बाद भी हमारे उन पसमांदा कम्युनिटी के दो वार्डों तक बड़ी तादाद मौजूद है। मुनीर साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? बड़ा मेहरबानी करके जोर से बोले थोड़ा, आप समझ जाते हैं आपको ये पसमांदा लोग जो है इनको वहाँ रोड बने, क्योंकि जब हम पंचायत में इनके लिए पैसा रखते हैं मुझे खुदा की कसम है कि वो सारा पैसा कैरेज में चला जाता है। उसके बाद भट्ट साहब का तहे दिल से शुक्रिया, हमने पूरे बानहाल के यहाँ सरपंच साहबान यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम जो बाकी हमारे हुआ जो मुतालबात है वो हम आपसे वक्तन फोक्तन वो मिलते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ में एक बार फिर तमाम अफसर साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, आवाम उन्नास का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर अपने पंचायत के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो कल से मेरे साथ यहाँ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं। बता रहे हैं जिन स्कीमों के बारे में हमें आगाही दी गई, ये एक बहुत बहुत शुक्रिया रईस अहमद खांडे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुकामी सरपंच है हमारे, कोशिश करूंगा इसके बाद, और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुतदी सरपंच साहिबान जो है मनीष सोहेल साहब चले आए, और आप ये खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर मौजूद है। मनीष साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि नाजिर हर महकमा जात की एक बड़ी कोशिश रहती है कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड पे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, चाहे उसमें रूरल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल वेलफेयर की बात करें, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जितने भी महकमा जात है, और जो भी उनकी कोई कारकर्दगी है उस पर स्टेज पे जो है आज वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं या जो पब्लिक भी है, जो है पब्लिक ग्रीवेंस भी से कहा जाता है कि जो शीतल नंदा जी है जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू सोशल वेलफेयर है, डिप्टी कमिश्नर रामबद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, और यही जो है यहाँ पर अपनी अपनी जो फरियाद है कहीं पे क्या कुछ मामला है वो यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से आप तादाद देख रहे हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंतहा कोई नहीं है तुझसे बढ़कर साजो फितरत में नवा कोई, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं पे जो है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, इंतजामिया के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये गोंड अदलकूट का इलाका है जहाँ पर एक मेगा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर मुनक्कद किया गया है। मोहम्मद सलीम भट्ट साहब भी यहाँ पे मौजूद है, चूंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो है इस समय अगर देखे यहाँ से कैमरामैन पहले आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी गैदरिंग जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है।
क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब इस प्रोग्राम के हवाले से? पहले मैं आपको मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आप भी अपने कीमती टाइम को यहां गरीबों के लिए वकफ कर रहे हो। इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि मैं पहले डीसी साहब का मुबारकबादी देना चाहता हूं, शीतल नंदा जी का मुबारकबादी देना चाहता हूं, जिन लोगों ने और जिन ऑफिसर साहिबानों ने जो भी सेंटर से आदेश आता है वो उसका पालन करते हैं, तो मैं उनको तहदिल से सलूट करता हूं कि वो अपने फर्जों को अंजाम देते हैं। जितने भी ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो भी आदेश आता है तो वो उसको फॉलो करते हैं। खासकर जो मोदी जी की जितनी भी स्कीमें हैं, इनका एक ही लक्ष्य है ताकि कोई गरीब ऐसा ना रहे कि जिसके पास उस स्कीम का लाभ ना पहुंचे। ये हमारा कहना है सर। और ऐसे जो मेगा प्रोग्राम्स होते हैं उससे कितना आप फायदा मानते हैं, कितना फायदा मिलता है लोगों को? मैं चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने आज तक ऐसा कभी सोचा भी नहीं था जी। जो हमारी सरकार ने हर व्यक्ति के पास पहुंचने की कोशिश की, हर गरीब के पास पहुंचने की कोशिश की, एसटी को अपना हक पहुंचाया, हर गरीब को अपना हक पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। और आपके सामने बखूबी जहां हेल्थ का कार्ड 5 लाख का, उसके बाद 5 साल का राशन फ्री, उसके बाद हर पंचायत में 300 मकान, हर पंचायत में हर गरीब को लैंड ओनर उसका जितना भी जो भी फायदा है वो मेरे गरीब तक पहुंचता है। ये मोदी जी का लक्ष्य है, उनका ख्वाब है कि 2047 में हम इसको सबसे अच्छा नाम कमाएं पूरे देश में, पूरे विश्व में, ताकि हमारा हिंदुस्तान भी फले फूले और खुशहाली अमन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आम लोगों को गुजारिश करता हूं, जो बाकी जगहों पे अपना कीमती टाइम जाया करते हैं वो अपना कीमती टाइम जाया ना करें। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। तो मेरी गुजारिश है सलीम साहब, ये पब्लिक दरबार है, ये एक सरकारी प्रोग्राम है, तो इसमें आप ये बताइए कितना फायदा है लोगों को? मैं यही कहूंगा, चढ़ते सूरज को, चढ़ते सूरज तो यही है ना, मेरे गरीब का जो विकास हो रहा है, मेरे गरीब का जो अपना हक मिल रहा है, तो यही तो विकास है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह का मेगा प्रोग्राम होने जा रहा है, और ये मैं कुछ और चीजें जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ले फिलहाल कैमरामैन आपको ये व्यू दिखा रहे हैं, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितना मतलब यहाँ पे स्टॉल वगैरह जो है वो लगाए गए हैं। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं, ये यहाँ से जो है कैमरामैन इस चीज में दिखा रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, और यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बैनर हम आपको दिखा रहे हैं। कई सरकारी मुलाजमीन पे जो है यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो है अटल पेंशन योजना, इसके साथ में जो है यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नव भारत, और ये जिस तरह से एमवीडी डिपार्टमेंट जो है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है, और ये इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, और इस महकमा एमवीडी जो रामबन जिला है वो अफसरान भी जो है हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और सभी महकमा जात के अफसरान की जो स्कीम्स है या जो बेनिफिट है वो स्टॉल्स के जरिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ में महकमा एजुकेशन जो आप यहाँ पर हमारे देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर बानियाल, इंटर स्कूल जोन लेवल टूर्नामेंट्स, और जो जिससे कि बच्चों को बड़ा फायदा मिलता है जब टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा तहसीलदार बानिहाल की तरफ से जो है ये कॉटसी है, और इसमें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन आजकल जो जो भी आप पोर्टल के जरिए जो है सर्टिफिकेट्स हासिल करते हैं तो उसकी एक कड़ी है, और ये चीज़ जो है महकमा रेवेन्यू की तरफ से जो है ये स्टॉल लगाया गया है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि लैंड पासबुक वगैरह जो भी जमींदारों को दिए जाते हैं, तो ये महकमा रेवेन्यू बानिहाल की तरफ से ये चीज़ है। इसके साथ में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो यहाँ पर आप अब आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने ये जो ITI बानिहाल की तरफ से ये डिस्प्ले किया गया है एक मॉडल तर्ज पे, और इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें जो है मैं आपको दिखाने की
कोशिश करूंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जल शक्ति महकमा पीएचई के लोग है कि जो हर घर जल की जो बात है और वो महकमा जो है हम आपको दिखा रहे हैं एडब्ल्यू जल शक्ति और उसके साथ में जो जेई साहिबार यहाँ पर है और इन्होंने भी जो है आपके डिपार्टमेंटल जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसको लेकर यहाँ पर ये डिस्प्ले किया है सारी चीजें। तो मजीद आगे चलते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि शीतल नंदा जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है और उनकी सरबराई में आज ये मेगा विकसित जो दरबार यहाँ पर मुनक्कद किया गया उसका जायजा हम आपको दिखा रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री का भी हम आपको जो है यहाँ पे स्टॉल दिखा रहे हैं। सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स जो लोगों के लिए है वो अलग अलग महकमा जात के यहाँ पर स्टॉल्स आप देख रहे हैं। और पेंशन दिवस ये आजादी का अमृत महोत्सव महाउत्सव के तहत जो है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारा संकल्प विकसित भारत और सिक्किम सिलेक्टेड डेमोन्स्ट्रेशन आयुष्मान भारत का स्टॉल भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ में कोटसी बाई ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनिहाल और इसके साथ में जो है थोड़ा सा हम आपको ये दिखा रहे हैं कि वेलकम टू शीप हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री महकमे की तरफ से जो है ये स्टॉल लगाए गए हैं कि शीप हस्बेंड्री की तरफ से क्या फैसिलिटीज है जनरल पब्लिक के लिए। और इसके साथ में डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म और ये शकील साहब है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं बड़े खूबसूरत यहाँ पर जो है ये चीजें दिखाई है। ये रामबन है, ये क्या है सर? रामबन का पूरा टूरिस्ट जितने भी है वो इसी में मौजूद है। रामबन जिला के जितने भी मतलब जो है खूबसूरत डेस्टिनेशन है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नील टॉप पत्ती टॉप सनासर वासा मरग वगैरह जबन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में हम आपको दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन विकसित भारत संकल्प और ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी बनिहाल और यहाँ भी जो है इससे जो है टाउन के अंदर कितनी फैसिलिटीज है लोगों के लिए साफ सफाई के हवाले से जो मकानात वगैरह दिए जाते हैं और भी कोई जो स्कीम्स होती हैं तो वो ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा म्युनिसिपल कमेटी बनिहाल या जो रामबन है वो रामबन जिला की हम बात करें रामबन बटोत या बनिहाल में जो है ये जिस तरह से कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं और ये स्कीम्स वगैरह जो है जो भी कोई बेनिफिशरी आ सकता है वो इन स्कीम को जो है जो साइलेंट फीचर्स है वो उनको पढ़ सकता है और यहाँ से फायदा जो है वो हासिल कर सकता है इस महकमे से। इसके साथ में विकसित भारत यात्रा अवेयरनेस प्रोग्राम और ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्ना क्या है आगे इसमें योजना ये बोर्ड में थोड़ा कम लिखा हुआ है। ये हैंडीक्राफ्ट है जो हमारी एक सिस्टर यहाँ पे है, बड़े खूबसूरत शाल वगैरह भी जो है उन्होंने यहाँ पे ये डिस्प्ले किए हैं। तो हर महकमा जात की कोशिश रहती है कि पब्लिक को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा संजीदगी के साथ जो है अंदर महकमे के अंदर जो है उन स्कीमों से फायदा भी लेना होता है। कैमरामैन थोड़ा आगे चलेंगे मेरे साथ, मैं आपको कुछ और चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर रामबन इन्फॉर्मेशन ये जो है अंडर द स्कीम जो है 2000 विकसित भारत के तहत ये भी है और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये छोटा सा शायद ये जनरेटर है जी, पानी को लिफ्ट करने के लिए डिवाइस जी, पानी को वाटर लिफ्ट करने के लिए जी। इसका अगर कोई बेनिफिशियरी आपसे ये ले जाएगा तो किस प्राइस में पड़ता है ये? जी तकरीबन कितना मतलब ये 8000 के आसपास। तो इसमें कैपेसिटी कितनी है? डेढ़ इंच पानी। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ में आधार सेवा केंद्र सेवा अवेलेबल जो है ये भी जो आधार कार्ड वगैरह को लेकर जो है यहाँ पर स्टॉल जो है वो लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा मातृ वंदना योजना बहुत अच्छा। और ये मैम खुशामदीद आपका, बहुत बड़ी अच्छी चीजें बनाई है आपने, क्या क्या कुछ बनाया है? हमने किस्म बनाई है,
सेवियां बनाई है, हमने बिरयानी बनाई है और हलवा बनाया है, ये हम सब बच्चों को देते हैं। ये बच्चों को जो आप दे रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छी चीज क्या बनी है आज? हलवा बना है, जी जी जी, जी 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 लोग हैं। तो इसका इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट किसको करवाना है? इनको दूर दराज इलाकों से आना पड़ता है। अच्छा अच्छा, करवाया उनको, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नादरी ना, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो कंटेस्ट में बनते हैं वो दिखाया जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं पे जो है ये चीजें जो है इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एलपीजी पंचायत एचपी गैस। मेरे भाई गैस वगैरह मिलता है लोगों को? मिलता है, कहाँ है आपका काउंटर? एचपी, ओके ओके, चले ये फ्री जो एचपी गैस जो कनेक्शंस होते हैं उसका काउंटर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ में डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू, आप साहब द असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट रामबन। तो ये जो जो बच्चिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी सोसाइटी में जो है बड़ी मेहनत करते हैं, और इस तरह की जो जो क्राफ्ट वगैरह का काम होता है ये इसको अंजाम दे रहे हैं। और ये घरों के अंदर जब हम लगाते हैं तो घर के अंदर जो है वो जो आर्टिफिशियल हम चीज़ें लगाते हैं उसमें इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और ये जो है आपके लिए जो है एक एसेट होता है। जो इस तरह के जो बच्चे जो है जो बच्चियां है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये सितार इन्हें लगा है। इसके साथ में ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर 2022 वगैरह, ये महकमा हेल्थ हम आपको दिखा, ये जो महकमा जंगलात है तो उसके तहत जो है आप ये देख रहे हैं कि एक स्टॉल जो है यहाँ पर भी बना हुआ है। और जिस तरह से मैंने आपको सभी महकमा का जो है थोड़ा थोड़ा जायजा जो है आपको दिखाया, और ये महकमा फॉरेस्ट के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। विकसित भारत के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा पीएम मोदी विजन ऑफ न्यू एज भारत, और ये कहीं ना कहीं पे जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे जो है लोगों को जो है एक बड़ा फायदा होता है। और नादिन यहाँ से मैं फिर आपको एक व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा, और आप जिस तरह से कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं सबसे आंगनबाड़ी और ये जो वर्कर्स और हेल्पर्स और आशा वर्कर्स ये हमारे शाना बशाना हमारे साथ होती है। मैं खुद बोल रहा हूं, मैम मेरी गुजारिश रहेगी इनको 2000 और 4500 से इनका घर नहीं चलता है, काम इनको 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है, इनकी जो तनख्वाह है उसमें नजरसानी करने की जरूरत है, मेरी ये गुजारिश रहेगी। तो उसके बाद मैम मेरी एक और डिमांड रहेगी, मैं अपनी इस बनिहाल की बात करूं तो जितने भी हमारे आंगनबाड़ी ये जो सेंटर है को भी नहीं है। तो ये था प्रोग्राम विकसित भारत और मेगा दरबार बनिहाल के अंदर यहाँ पे मनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी सरबराही जो है कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर शीतल नंदा और उनके हमारा डिप्टी कमिश्नर रामबंद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबंद, एसडीएम बनिहाल और बाकी महकमा जात के सभी अफसरान, जो हमने स्टॉल्स वगैरह भी आपको दिखाए, और इससे कहीं ना कहीं पे ऐसे प्रोग्राम से लोग अवेयर भी होते हैं और लोगों को फायदा मिलता है। जिस तरह से आप डाइस पे देख रहे हैं लोग ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जो महकमे की तरफ से लोगों को फायदा है उस चीज को गिनाया जा रहा है। जितने भी महकमा जात है ऑल द डिपार्टमेंट आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, लेकिन उसमें जो है लोगों को जरूर एक फायदा होता है, और इसीलिए जो है आज देख रहे हैं कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो है इस मेगा प्रोग्राम में आज देखने को मिली। चलो महकमा जात के इसी तरह के प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होते रहे, लोगों को जमीनी सतह पे और फायदा नसीब हो, तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेजबान आरिफ वहीद चेयरपर्सन शाहनवाज के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़, बहुत जल्द फिर आपके साथ हाजिर हो जाएगी।